वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। फाइनली जिस एग्ज़ाम के लिए हम पिछले एक साल या दो साल से तैयारी कर रहे हैं, नीट 2019 5 मई को होने वाला है। होपफुली आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। पिछले कुछ सालों के बिहाफ पे मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करने आया हूँ। डेफिनेटली अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस ज़रूर इंक्रीज़ करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ, टॉपिक वाइज बात करूँ, तो लास्ट 2-3 डेज में आपको सिर्फ एनसीईआरटी से चिपक के रहना है और कुछ नहीं पढ़ना है। बायोलॉजी में एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज को रिवाइज करते रहिए। मैं कह रहा हूँ सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए लास्ट 2-3 डेज में, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। सेकेंडली मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसा आपको पता है कि एग्ज़ाम टाइम आपका 2 से 5 रहने वाला है, मेक श्योर आपका बॉडी क्लॉक उसी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो। 2 से 5 बजे के बीच में आपको भूख नहीं लगनी चाहिए, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। तो मेक श्योर कि आपका डेली रूटीन वैसे ही मेंटेन रहे। पिछले 2-3 दिनों में 2 से 5 बैठ करके पढ़ा कीजिए, डेली 2 से 5 में बैठ कर पढ़िए। पिछले कुछ पेपर्स जो आपने किए होंगे उन्हीं पेपर्स को रीअटेम्प्ट करिए, दोबारा करके देखिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। पेपर में जाने से पहले कुछ इंस्टेंट एनर्जी सोर्स भी आप ले सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक या कुछ चॉकलेट वगैरह लेके जा सकते हैं आप, आपको बेटर फील होगा। इंस्टेंट एनर्जी सोर्स हैं, आप बूस्टअप रहेंगे 3 घंटे एग्जाम के दौरान। बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। जिन बच्चों का सेंटर होम टाउन में नहीं आया है, जिन्हें अपने सेंटर के लिए दूसरे शहर में जाना है, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आप एक दिन पहले वहाँ ज़रूर जाइए, एक दिन पहले सेंटर को विजिट कीजिए। आपको पता होना चाहिए आपके रहने की जगह से सेंटर कितनी दूरी पर, कितने डिस्टेंस पर है, आपको जाने में कितना टाइम लगेगा। लास्ट मोमेंट हैसल नहीं होना चाहिए, सब कुछ कंफर्टेबल रखिए। ड्रेस कोड वगैरह की बातें आप एडमिट कार्ड पे पढ़ चुके हैं, उन सब का ध्यान रखिए। स्पेशली गर्ल्स के लिए आपको कुछ भी पहन के नहीं जाना है, कुछ भी लेके नहीं जाना है। ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट रखना है। होपफुली हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।